We'll have something right away. See, that was better. मूवी स्टार्ट होती है 18 अगस्त 1973 में। सीन शुरू होता है और बताया जाता है कि टेक्सास में कब्र चोरी की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, यानी कि कोई कब्रों को खोदकर उनमें से डेड बॉडीज निकाल रहा है, जिसमें कुछ लाशों को देखकर लगता है कि ये काम कोई साइकोपैथ का है। इसके बाद हम 5 लोगों को एक साथ देखते हैं, जिसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में कॉमेंट्री करके बताया जाता है। उन लोगों का नाम शैली, उसका भाई फ्रैंकलिन और इनके दोस्त जेरी, कर्क और कर्क की गर्लफ्रेंड पैम होती है। ये सब टेक्सास आए होते हैं शैली के ग्रैंडफादर की कब्र को देखने के लिए कि उनकी कब्र ठीक ठाक है या नहीं। उसके बाद सभी लोग कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं तो शैली के ग्रैंडफादर की कब्र ठीक ठाक होती है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया होता है। कब्र देखने के बाद वो उनके पुराने घर को देखने जा रहे होते हैं, जहाँ शैली के ग्रैंडफादर पहले रहा करते थे। रास्ते में उन्हें एक स्लॉटर हाउस दिखाई देता है। फ्रैंकलिन उन्हें बताता है कि क्यों उसके साथ उसके अंकल एक स्लॉटर हाउस में काम करते थे। वो ये भी बताता है कि वहां पर कैसे जानवरों को काटा जाता है। फ्रैंकलिन बड़े ही डिटेल में सारी बातें बताता है। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक अजीब सा आदमी मिलता है जो उनसे लिफ्ट मांगता है। वो लोग उसे कार में बैठा लेते हैं। वो आदमी बताता है कि उसके भाई और फादर उस स्लॉटर हाउस में काम करते थे। वो बाकी लोगों को कुछ तस्वीरें भी दिखाता है जिसमें जानवरों को काटते हुए दिखाया गया होता है। ये सब बहुत ही अजीब होता है। फ्रैंकलिन अपने हाथों में चाकू से खेल रहा होता है, तभी वो आदमी उसके हाथों से चाकू छीनकर अपने हाथों पर कट मार लेता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही खुश नजर आता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और फ्रैंकलिन की एक फोटो खींचता है। वो फ्रैंकलिन को ही उसे $2 में बेचने लगता है। फ्रैंकलिन लेने से मना कर देता है तो वो फोटो को जला देता है और अचानक से चाकू से फ्रैंकलिन के हाथ पर एक कट मार देता है। वो लोग उस इंसान से तंग आकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और दौड़ के गाड़ी पर अपने खून के कुछ निशान बना देता है। वो लोग गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं और आगे जाकर गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां पर उन्हें फ्यूल नहीं मिलता है। वो लोग उस गैस स्टेशन के मालिक से अपने पुराने घर का रास्ता पूछते हैं और वहां से अपने पुराने घर पर चले जाते हैं। उनका घर अब खंडर के रूप में बदल गया होता है। जब वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं कि वो अजीब आदमी उनके गाड़ी पर एक सिंबल बना दिया होता है। जेरी उस सिंबल का मतलब बताता है और कहता है कि इस सिंबल का मतलब है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फ्रैंकलिन थोड़ा डर जाता है। बाकी सब लोग उस घर में घूमने लगते हैं। घर की हालत बहुत खराब होती है, उसमें बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें भी होती हैं। कर्क और पैम फ्रैंकलिन के बताए तालाब को ढूंढने निकल जाते हैं। जब उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तालाब सूख गया होता है, वहां पर कुछ नहीं होता है। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। उस पर जाकर देखते हैं तो पास में एक घर होता है जहां पर जनरेटर चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि वहां कोई रहता होगा, इसलिए वो लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं। उस घर के आसपास भी बहुत सी अजीब चीजें होते हैं, जैसे कि कुछ खराब पड़ी गाड़ियां और पैरों पर लटकते अजीब से कपड़े। वो लोग इन सब को अनदेखा करके घर के अंदर जाते हैं और किसी को आवाज लगाते हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी कर्क को फर्श पर एक सड़ा हुआ दांत दिखाई देता है। वो पैम को उसे दिखाता है। पैम गुस्सा होकर उससे दूर चली जाती है, लेकिन कर्क उस घर में घुस जाता है। अंदर उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे जानवरों के सिर लगे होते हैं। कर्क जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है, अंदर से लेथर फेस आ जाता है और कर्क के सर पर एक हथौड़ा मार देता है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी लेथर फेस दूसरा हथौड़ा मारकर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेता है। जब काफी देर तक कर्क बाहर नहीं निकलता तो पैम उसे ढूंढने उस घर में जाती है। वो जैसे कमरे में घुसती है तो देखती है कि उसमें केवल हड्डियां पड़ी होती है। हड्डियों से बनी टेबल, कुर्सियां और अन्य सजावट की चीजें होती हैं। पैम को ये सब देखकर काफी घबराहट होती है और वो वहां से भागने लगती है। तभी लेदर फेस उसके पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे पड़ते पड़ते लेदर फेस उसे बाहर से पकड़कर घसीट कर अंदर लाता है। अंदर लाकर वो उसे लकड़ी से टांगकर बांध देता है और उसी के सामने वो कर्क को काटने लगता है। उधर इसके दोस्त काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें निकले हुए काफी समय हो गया था। आखिर में जेरी उन्हें ढूंढने जाता है और वो भी भटकते हुए उसी घर में पहुंच जाता है।
जब उसे घर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो भी अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक फ्रीजर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर पैम मिलती है। इससे पहले कि जेरी को कुछ समझ आए, लेदर फेस पीछे से आकर उस पर हथौड़े से वार कर देता है। इसके बाद पैम को फिर से फ्रीजर में बंद कर देता है। इसके बाद देखते हैं कि लेदर फेस काफी परेशान नजर आता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये लोग कौन हैं जो उसके घर में एक एक करके घुस रहे हैं। दरअसल लेदर फेस किसी को जानबूझकर नहीं मार रहा था, वो तो उन्हें मार रहा होता है जो उसके घर में बिना उसकी मर्जी के घुस आते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके घर में और कितने लोग आएंगे। रात हो जाती है और उधर केवल शैली और फ्रैंकलिन ही बचते हैं। वो लोग उन सब का इंतजार कर रहे होते हैं। शैली को अपने दोस्तों की चिंता हो रही होती है, लेकिन फ्रैंकलिन कहता है कि हमें यहाँ से अब चल जाना चाहिए। शैली नहीं मानती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती है, और ना चाहते हुए फ्रैंकलिन को भी उसके साथ जाना पड़ता है। अब वो लोग रात में आवाज लगाते हुए उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें वो घर दिखाई देता है। अभी वो लोग वहां जाने की सोच ही रहे होते हैं तभी उनके सामने लेदर फेस आ जाता है और फ्रैंकलिन को चेन सॉ से काट देता है। ये सब देखकर शैली के होश उड़ जाते हैं और भागते भागते उसी घर की तरफ चली जाती है। लेदर फेस उसके पीछे ही होता है। बचने के लिए उस घर के अंदर वो घुस जाती है, जहां उसे दो लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक औरत होती है जो कुर्सी पर पड़ी पड़ी मर गई होती है, और एक बूढ़ा होता है जो एक कुर्सी में बैठा होता है। उसके शरीर के पूरी चमड़ियां झूल रहे होते हैं। शैली डरते हुए नीचे की तरफ भागती है, लेकिन नीचे लेदर फेस खड़ा होता है, तो फिर से ऊपर की तरफ भागती है। वहां से बचने के लिए वो खिड़की से कूद जाती है और भागते भागते गैस स्टेशन के पास पहुंच जाती है। वहां वो ड्रिटन को सब कुछ बता देती है। उसके बाद ड्रिटन अपना ट्रक लेने जाता है ताकि वो पुलिस के पास उसे पहुंचा सके। जब वो ट्रक लेकर आता है तो साथ में एक रस्सी और एक बहुत बड़ी सी बोरी लेकर आता है। फिर वो शैली को जबरदस्ती रस्सी से बांधकर बोरी में डाल देता है। उसके बाद वो उसे ट्रक में लादकर कहीं ले जा रहा होता है। वो उसे वापस उसी घर के पास लेकर आता है। जैसे ही वो ट्रक रोककर नीचे उतरता है, फिर से हमें वहां वही आदमी दिखाई देता है जो इन लोगों से लिफ्ट मांगा होता है। ड्रिटन ट्रक से उतरकर उसे मारने लगता है। यहाँ पर पता चलता है कि ये वही आदमी था जो कब्रों को खोदकर लाशों को निकाल रहा होता है, और वो ये काम केवल अपने फन के लिए करता है। थोड़ी देर बाद दोनों शैली को लेकर घर के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पता चलता है कि तीनों बदमाश भाई हैं। सबसे बड़ा गैस स्टेशन का मालिक, दूसरा जो कब्र को खोदता है, और तीसरा लेदर फेस। ड्रिटन वहां लेदर फेस को काफी डांटता है क्योंकि वो शैली को इतनी आसानी से छोड़ दिया होता है। उसके बाद वो लोग शैली के हाथ को ऊपर करके बांध देते हैं। वो अपने ग्रैंडपा को ले आते हैं जो कि 124 साल का होता है। ये वही बूढ़ा होता है जो कुर्सी पर पड़ा होता है। वो केवल खून पीकर जिंदा होता है। वे लोग उसे शैली का खून पिला रहे होते हैं। शैली बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो खुद को पाती है एक डाइनिंग टेबल पर, जहां उसका हाथ दो अन्य हाथों के साथ बंधा होता है। उसके सामने लेदर फेस की पूरी फैमिली बैठी होती है। यहां पर लेदर फेस का मास्क अब बदला हुआ नजर आता है। यहां पर उनकी सारी फैमिली इंसानों का मांस खा रही होती है। यहां पता चलता है कि ड्रिटन हत्या नहीं करते थे, मारने का काम सिर्फ उनके ग्रैंडफादर करते हैं जो 124 साल का बूढ़ा था। अब समय आता है शैली को मारने का। वो लोग उस बूढ़े को शैली को मारने के लिए लाते हैं। वो लोग उस बूढ़े के हाथ में एक हथौड़ा देते हैं जिससे वो शैली को मारेगा, लेकिन उसके हाथ से हथौड़ा चल ही नहीं रहा होता। बार बार उसके हाथ से हथौड़ा गिर जाता है। फिर वे लोग उसे उठाकर देते हैं, लेकिन फिर से गिर जाता है। आखिर में वो एक हथौड़ा शैली पर मार देती है, लेकिन इससे शैली को ज्यादा चोट नहीं आती है और वो छूटकर भागने लगती है। वो खिड़की तोड़कर बाहर की तरफ भागने लगती है। इस बार उसका पीछा हिचहाइकर और लेदर फेस कर रहे होते हैं। उनसे बचते हुए शैली एक रोड पर पहुंच जाती है, जहां पर एक ट्रक हिचहाइकर को कुचल देता है। ड्राइवर शैली की मदद करने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो लेदर फेस को देखकर फिर ट्रक के अंदर घुस जाता है। शैली भी उनके साथ ट्रक में घुस जाती है, लेकिन वो ट्रक को चालू नहीं कर पाते। दूसरी तरफ से निकलकर वो भागने लगते हैं। लेदर फेस उनके पीछे दौड़ता है। एक जगह रुककर वो ड्राइवर एक लोहे से उसके सर पर मारता है। लेदर फेस नीचे गिर जाता है और उसके चेन सॉ से उसी का पैर कट जाता है, लेकिन वो अभी भी उनका पीछा करते रहता है।
शेली दौड़कर एक कार में चढ़ जाती है और कार जाने लगती है। पीछे लेदरफेस गुस्से में अपनी चेनसो चला रहा होता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।